शुरुआत दुर्ग में 27 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। स्ट्रक्चर के मलबे के नीचे 10 मजदूर दब गए हैं। एसडीआरएफ ने मलबे में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू किया है। हादसे में 10 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ मजदूरों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे में 10 मजदूरों को चोट लगी है, कुछ की हालत गंभीर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दुर्ग में यह हादसा हुआ है। 27 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर गिरा है जिससे यह हादसा हुआ है। 10 मजदूर इसके नीचे दब गए। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। फंसे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। हादसे में 10 मजदूर हैं। हालांकि जो अभी तक संख्या आ रही है वो 10 की आ रही है, ये संख्या बढ़ भी सकती है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसे हादसों में अक्सर देखा जाता है कि नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया जा रहा होता है, या तो जो तय मानक होते हैं उनसे अधिक ऊंचाई ले ली जाती है, या फिर बेस को कम मजबूत नहीं किया जाता है। ये तमाम खामियां पाई जाती हैं अक्सर ऐसे हादसों में जो वजह बनती हैं। एक बड़ा स्ट्रक्चर जो गिर गया और इस स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ काम करने वाले मजदूर दब गए। 27 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर था जो गिरा। नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो घायल मजदूर हैं कितनी उनकी संख्या बताई जा रही है, कोई आंकड़ा आ पाया है अभी तक सामने, और फिलहाल क्या कंडीशन उनकी है? देखिए, अभी जो कल शाम को जो घटना हुई, कल उसके बाद अभी तक का जो आया, घायल की संख्या 4 के आसपास है और अभी फिलहाल खतरे से बाहर उनकी स्थिति बताई जा रही है। और वहां पर एक जांच टीम भी बैठा दी गई है जहां पर घटना हुआ कि आखिर स्ट्रक्चर में जो लगाने के जो एक मापदंड होते हैं कोई भी, उसका कितना फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था, आखिर दुर्घटना क्यों हुई, किस किन परिस्थितियों में हुई, कहाँ लापरवाही बरती गई, किसने लापरवाही बरती, इन सब उस पर एक प्रशासनिक जांच की जा रही है। इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर लापरवाही कहाँ हुई। लेकिन जो घायल है उनकी स्थिति बाहर बताई जा रही है, ये एक राहत की बात है। और जो कंपनी जो ठेकेदार था उसके ऊपर भी मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। जी नीलेश, ठेकेदार पर मामला दर्ज हो गया है, घायलों की हालत भी फिलहाल आप बता रहे हैं बेहतर है। कल की ये घटनाएं, हुआ किस तरीके से था ये हादसा? वही जो शुरुआत आपने की भी कि अक्सर ऐसे मामलों में कि देखा ये भी जाता है कि जो तय नियम होते हैं उनको दरकिनार कर निर्माण किया जाता है, जिसके चलते कई बार इस तरीके से जो मलबा है वो गिर जाता है, जो काम कर किया जा रहा होता है, निर्माणाधीन बिल्डिंग बन रही होती है वहां से हादसे होते हैं, क्या क्या वजह सामने आई है? देखिए, एक प्राइवेट रिसोर्ट था ये, कोई सरकारी कंपनी या फिर सरकारी निर्माण नहीं था, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन था, एक गोल्फ रिसोर्ट करके बनाया जा रहा है, वहीं पर काम चल रहा था, पर निजी व्यक्ति का था और वहाँ लगातार कई दिनों से काम चल रहा है, महीनों से, एक बड़ा प्रोजेक्ट है उनका प्राइवेट, उसमें काम चल रहा है। वहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगाया गया था, छज्जा ढलाई से पहले जो लगाया जाता है कि उसमें ढलाई की जाएगी, उस वो गिर गया। अब उसके गिरने के पीछे का वही बताया कि कारण जांच टीम बनाई गई है और क्यों हुआ था, मापदंड का पालन हुआ या नहीं हुआ था, या फिर कुछ कहाँ पर कुछ बेस तैयार नहीं था, ये सारी चीजों की जांच होगी। क्योंकि जब लोगों को पता चला तब वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर गिर चुका था, और जब गिर चुका था तब ऐसे में जब लगा था उस समय कितने नियम का पालन किया गया, ये हुआ नहीं हुआ, ये पूछताछ के बाद ही समय आएगा जब रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये था कि लापरवाही बरती गई थी और लापरवाही का ही नतीजा रहा कि मजदूर घायल हो गए और कई लोगों की जान पर बनाई थी। शुक्रिया नीलेश, तमाम जानकारी के लिए आपका।